तो इन भाई की पंजाबी में शायरी है, तो सुना भाई। यारी दे विच यार वेखे मैं, यारी दे विच यार वेखे मैं, नरम दिल बंदे बनदे तलवार वेखे मैं, नरम हत्थां दे विच कंडिया दे फूल वेखे मैं। क्या बात है, तेरी सोहनी सूरत नू इक गुलाब दे के वेखा मैं। और हाँ गाइज, एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, वो बात गेहूं कटाई की, गेहूं कटाई का सीजन था उस वक्त की वो बात है। तब मैं काफ़ी छोटा ही था, मैं याद होगा मुझे शायद मैं पाँचवीं छठी कुछ ऐसी क्लास में पढ़ता होगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो स्वागत आप लोग का मेरे को नए ब्लॉग में। तो ये अभी का ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँ यहाँ कॉलेज आकर, यहाँ 1 बज कर और 10 मिनट। सॉरी गाइस इतने लेट ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह क्लास में आ गया था, कल कॉलेज में आ गया था, तो लगातार मेरी क्लासेस लगती रही, मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। अभी मेरी 1 बजे के आसपास ही क्लास ख़त्म हुई है, तो अभी सोचा मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम, और हाँ अपने दोस्तों से मिलवाते हैं, यहीं ग्राउंड में बैठे हुए हैं वो, उनसे भी देखते हैं बातचीत करते हैं। चलो यहाँ बैठे हमारे सारे दोस्त, चलो गाइस। और भाइयों क्या हाल है, बढ़िया भाई जी। तो यहाँ बैठे सभी, और भाई सौरभ, ये गुलाब सिंह, और ये गुलाब दास, और ये सौरभ। बताया था मैंने उस ब्लॉग में बहुत ही अच्छे शायर हैं, तो कुछ आज सुनाओगे क्या, सुनाओगे शायरी? तो चलो गाइस एक शायरी सुनते हैं हम इनसे, इन भाइयों से। तो चलो गाइस सुनिए इनकी शायरी, क्या कुछ इन लोगों ने अपने दिल के ख्वाब कॉपी ओपी कर रखे हैं, अभी आप लोग सुनना। तो चलो भाई स्टार्ट करो, सौरभ सुनाएंगे सबसे पहले। सौरभ गाइस ध्यान से सुनना। यादें जब उसकी जहन में उतरने लग जाए, वाह वाह, यादें जब उसकी जहन में उतरने लग जाए, लफ्ज शेरों में ढलकर संवरने लग जाए, वाह वाह, मैंने मोहब्बत में सबका एतबार टूटते देखा है, वाह वाह, मैंने मोहब्बत में सबका एतबार टूटते देखा है, क्या करें जब वो वादों से मुकरने लग जाए, वाह वाह, क्या करें जब वो वादों से मुकरने लग जाए। वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और तो खुद लिख रहे हैं ये गाइस, ये बहुत ही अच्छे, इन्होंने खुद लिख रखा है अपने अपने आप से, कहीं से कॉपीड नहीं है। तो इन भाई की पंजाबी में शायरी है, तो सुना भाई। यारी दे विच यार वेखे मैं, यारी दे विच यार वेखे मैं, नरम दिल बंदे बनदे तलवार वेखे मैं, यारी दे विच यार वेखे मैं, नरम दिल बंदे बनदे तलवार वेखे मैं, जग विच घूम लिया मैं, सौरभ जी जग विच घूम लिया मैं, पर माँ प्यो वर्गे यार नहीं वेखे मैं, माँ प्यो वर्गे यार नहीं वेखे। बढ़िया भाई, बहुत। दीपांशु जी, खुले मैदाना दे विच, खुले मैदाना दे विच चिट्टे फुल वेखे मैं, खुले मैदाना दे विच चिट्टे फुल वेखे मैं, तितलियां दी रौनक वेखी मधुमक्खियां दे छत्ते वेखे मैं, तितलियां दी रौनक वेखी मधुमक्खियां दे छत्ते वेखे मैं। और ये सागर के लिए, जो सागर के ऊपर लिखी थी मैंने, ये सागर है इसके ऊपर लिख दी। तेरे दिते दुखां नू मैं, तेरे दिते दुखां नू मैं, गम बना के जाम नाल मैं पी गया, तेरे दिते दुखां नू मैं, गम बना के जाम नाल मैं पी गया, तेरा ना ना लेके अज भी किन्ने आशिक मरदे वेखे मैं। ओ क्या बात है, वाह वाह, तेरा ना ले लेके अज भी किन्ने आशिक मरदे वेखे मैं। और दोस्ती दे विच यार नू, दोस्ती दे विच यार नू रब बना के वेखा मैं, क्या बात है, दोस्ती दे विच यार नू रब बना के वेखा मैं, इस दिल दे अंदर, इस दिल दे अंदर यार दी तस्वीर लगा के वेखा मैं, तेरे नरम हत्था दे विच। दीपांशु जी, हाँ जी दीपांशु, तेरे नरम हत्था विच, तेरे नरम हत्था दे विच, तेरे नरम हत्था दे विच कंडिया दे फूल वेखे मैं, क्या बात है, तेरी सोहनी सूरत नू इक गुलाब दे के वेखा मैं, वाह, तेरी सोहनी सूरत नू इक गुलाब दे के वेखा मैं। वाह गुलाब दास, धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई। तो सुना गाइस, आप लोगों ने कितनी अच्छी शायरी लिख रखी है इन भाइयों ने, ये तो कुछ भी नहीं, इन्होंने बिल्कुल बहुत सारी कापियां भर रखी है ऐसी ऐसी शायरियाँ लिख कर। और हाँ गाइस मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, मैंने भी बहुत सी कविताएँ लिख रखी हैं, शायरी इतनी ज़्यादा नहीं लिख रखी, मैंने बस कविताएँ लिख रखी हैं और एक दो रैप लिख रखे हैं बस।
कभी मौका मिलेगा मुझे भी सुनाने का तो सुनना आप लोग मेरे भी। तो चलो गाइस अभी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये हम लाइब्रेरी में आ गए हैं, देखो लाइब्रेरी का माहौल। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने लंच कर लिया, ये देखो नमस्ते जी, ये साहिल बैठा है यहाँ, सॉरी ये साहिल यहाँ बैठा रामवीर। और आज हम लोगों ने लंच की वीडियो नहीं बनाई, मैंने लंच की वीडियो नहीं बनाई गाइस, याद ही नहीं रहा मुझे लंच। अच्छा हाँ ये इसके पास है चावल, ये नमकीन चावल लेके आया, छोड़ क्या मैगी है, मैगी बना, तो गाइस आज ये मैगी बना के लेके आ रखा है घर से, देखो गाइस मैगी खाएगा, चलो मैगी कुछ तो खाना है हमारे पास ब्लॉग बनाने के लिए। तो गाइस अभी हम आ गए क्लास में, नहीं अब आ गए अपनी ज्योग्राफी की क्लास में, ज्योग्राफी लैब में यहाँ पढ़ रहा है अभी, और यहाँ पर तो बैठा है निविल, देखो गानों में मस्त, कोई नहीं आया अभी तक, तो हम तीन चार जने आए हैं। तो यहाँ पर और भी लड़के आ गए हैं गाइस हमारी ज्योग्राफी क्लास में, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलो गाइस पूरे तीन बज चुके हैं, अभी हमारा सर आने वाला है तो हम क्लास लगा लेते हैं पहले ज्योग्राफी की अपनी। तो यहाँ वेट कर रहे हैं बस का, अभी तक तो कोई भी बस नहीं आई है। चलो गाइस देखते हैं कब तक बस आती है और कब तक हम घर पहुँच पाते हैं, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं हम। फाइनली फ्रेंड्स मैं कॉलेज से घर आ गया हूँ, और यहाँ देखो मेरी मम्मी मां नमस्ते, और यहाँ मेरी मम्मी गेहूँ साफ करिए, देखो गाइस बरसा लिए, इनको बरसा तो लिया गया है लेकिन अब मिट्टी माटी चुकेंगे इनमें से। तो यहाँ कपड़े चेंज कर लिया है मैंने गाइस, और यहाँ मेरी मम्मी ने दोबारा से बरसाया गेहूँ को, यहाँ दोबारा से बरसाया गेहूँ, थोड़ा बहुत कबाड़ा रह गया होगा इसलिए दोबारा से साफ किए गेहूँ को। तो फ्रेंड्स यहाँ जस्मीन देखो, जस्मीन स्कूल में जाना, जस्मीन ने स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया, तेरा नाम लिखा गया, लिख दिया नाम तेरा कमी कसा, तो कहा पहली क्लास में जाना शुरू कर दिया इसने, इसका नाम लिखा गया छोटे स्कूल में, हमारे एक छोटा स्कूल और एक बड़ा स्कूल है तो उसमें इसका नाम लिखा गया, जैसे ये पहली बुक मिली है गाइस देखो, और यहाँ यहाँ मिली है मेरी दादी से, दादी क्या हाल है, फिर बीड़ी पी रही, और क्या करूँ जब पीऊँ तो, और क्या खिलाऊँ, बीड़ी पी कर दे, कैंसर हो जा, आई मेरा की फेंक दू माँ, तू मेरा की पकड़ दू माँ, रेट दू का मेरे पर बगाए, बीड़ी बीड़ी बीड़ी, कौन पीड़ी, माँ इसका हाथ मार दूँगी, किसका फोन का, फिर के फोन तो कौन टूट दूँगा, कसका पकड़ रहा, कौन पीड़ी पीड़ी, पीड़ी हम खा डेढ़ के बीच ना, कौन पीड़ी, चल पी ले मेरे, मजा रे मजा हा। तो गाइस हम यहाँ कुछ देर साइकिल लेकर बाहर घूमने चलते हैं बाहर की साइड, अभी तो क्योंकि काफी टाइम है दूध लाने में भी और काम में भी, चलो लगा दिन बीते सारा तेरी फिक्र में। तो गाइस यहाँ मैंने साइकिल को पीछे खड़ा कर दिया है और यहाँ मैं पैदल पैदल डोल पे चल रहा हूँ कुछ देर है टहलने के लिए, और गाइस देखो यहाँ पर हर तरफ पूले पूले, ये गेहूँ काट कर इनका बना दिए गए हैं पूले, हमारे इन्हें पूले बोलते हैं गाइस, और देखो हर तरफ यहाँ का व्यू खेत ही खेत हैं गेहूँ के। और हाँ गाइस एक बात और बता दूँ मैं आप लोगों को, वो बात गेहूँ कटाई की, गेहूँ कटाई का सीज़न था उस वक्त की वो बात है, तब मैं काफ़ी छोटा ही था, मैं याद होगा मुझे शायद मैं पाँचवीं या चौथी पाँचवीं छठी कुछ ऐसी क्लास में पढ़ता होगा, तो मेरे मम्मी पापा मुझे ले आए गेहूँ काटने के लिए, और तो मैं आ गया, और जब मैं गेहूँ काटने आ रहा था तो मैंने गली में देख लिया कि हमारी गली के सभी बच्चे खेल रहे हैं गोली, कोई कंचे खेल रहा है, पिट्ठो खेल रहा है, कुछ ऐसे खेल रहे थे, तो मेरे दिमाग में भी आ गया कि मैं आज गेहूँ काटने नहीं जाता हूँ, तो फिर भी धक्के से मेरे मम्मी पापा मुझे ले गए, और जैसे कि मैं गेहूँ खेत में आ गया गेहूँ काटने के लिए तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा, मेरा बिल्कुल भी खेत में मन नहीं लगा, मेरे दिमाग में केवल वही घूम रहा था कि आज तो मैं खेलने जाऊंगा, सभी गली के बच्चे ऐसे खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं, तो मैंने क्या किया खाना तो हम सारा अपना खेत में लेके गए थे, तो मैंने क्या किया अपनी अलग से रोटी बांध दी, और मैं अकेला ही, तब तो मैं काफ़ी छोटा था अकेला ही, और काफ़ी दूर हम लोग यहाँ गेहूँ काटने आए हुए थे, तो मैंने अकेले अपने जो अपना खाना है वो बांधा दो तीन रोटी, और मैं घर के लिए रवाना हो गया, मैं रूठ के अपनी मम्मी पापा को, अपनी मम्मी पापा से रूठ के कि मैं तो खेलने जा रहा हूँ मैं नहीं यहाँ काटूँगा अभी गेहूँ, तो मैं घर वापस चला गया था, वो बात मुझे अभी भी याद है, तब काफ़ी छोटा था मैं, तो होता है जब हम मतलब हम अपने
उम्र के बच्चों को खेलते हुए देख लेते हैं तो हमें भी लगता है यार हम तो काम कर रहे हैं, ये ऐसे खेल रहे हैं, तो होता है दिमाग में ऐसी बात आ जाती है। तो मैंने सोचा अभी माहौल भी गेहूं कटाई का है, गेहूं कटाई का सीजन है, तो वो बात बताई जाए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। फ्रेंड्स अभी हमें काफ़ी देर हो चुके हैं यहाँ आए हुए, तो चलिए अभी हम घर चलते हैं क्योंकि मेरे पापा का फ़ोन आया था हमें अपना जो गेहूं है उन्हें चक्की पे रख के आना पिसवाने के लिए। तो चलिए गाइज हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ घर आ गया हूँ और दूध तो मनीषा ले आई, हाँ दूध तो मेरा महाराज मनीषा लेके आ गई है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने अपने गेहूं को साइकिल पर रख लिया है चक्की पर रखने के लिए, और यहाँ मैंने दांती भी ले लिया, मेरी मम्मी की दांती, इसके दांते कटवा के लाने हैं। ये दांती बिल्कुल घिस चुकी है, इससे अच्छे से गेहूँ कटते नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ गया हूँ घर वापस अपना नाच धर के चक्की पर पिसवाने के लिए और दांती देकर। तो अभी मैं करता हूँ यहाँ हाथ पैर धोकर पूजा कर देता हूँ गाइस, क्योंकि नहा तो मैं सुबह ही लिया था, तो अभी हाथ मुंह धो के पैर धो के हम पूजा कर देते हैं पहले। A few. तो यहाँ मैंने खाना खा लिया है, देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, आशा है कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इस व्लॉग में एंजॉय किया होगा। अगर सच में आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, मेरे चैनल को नया विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, अपना प्यार और अपना सपोर्ट जरूर देना। और लास्ट में फ्रेंड इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड टेक केयर, बी हैप्पी। हम फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।